आदित्य, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत अच्छा डेकोरेशन है। बहुत खुशी हुई जी जो आप आपके परिवार के साथ यहाँ आए। आना तो था ही भाई, ओकेजन ऐसा है। हाँ, थैंक्स सर, मीन्स अ लॉट। ये हमारा लिटिल मास्टर है ना, ये सुबह से एक ही रट लगा के बैठा है कि अभी के अभी आदित्य अंकल के घर पर जाना है, मतलब जाना है। और देखो ना, गेस्ट आने से पहले ही हम लोगों को खींच कर यहाँ ले आया। आओ स्वीट। थैंक यू। अरे पहले तो आना नहीं चाहता था, फिर बाद में पता चला कि कार्तिक निगम यहाँ आने वाला है, तो बस रुक नहीं पाया, पागल हो गया, बोले अभी के अभी जाना है। ऑटोग्राफ लूंगा, सेल्फी लूंगा एंड व्हाट नॉट। यू नो आजकल की जनरेशन। हाँ, कार्तिक हमारा भांजा है और अभी वो घर पे ही है। ये आइए ना, हम आप लोगों से मिला देते हैं। आओ बेटा, तुम भी चलो। चलो चलो चलो, मिला आइए। आ जाओ। आइए। हाँ जी, हाँ सौम्या। हाँ हाँ, बॉस आ गए हैं। तुम जरा होटल फोन करो और पता करो खाना कितने देर में पहुंचेगा, एंड मेक श्योर पिज्जा और पास्ता गर्म हो। ओके, चलिए अंदर आइए। आटा कम पड़ेगा भैया, लोग ज्यादा है, और रोटियां गरम गरम ही बनवाइएगा, पहले से बनवा के मत रखिएगा। हाँ जी, ठीक है मैडम। और एक काम कीजिए, आप सब्जियां कटवा लीजिए, खाना हम खुद बनाएंगे। ठीक ठीक। मैडम मैडम, बिल 4228 नहीं भैया, 4278 होने चाहिए। बिल हम बाद में देख लेंगे। आपने तो एक नजर में ही सही जोड़ दिया मैडम, क्या गजब का हिसाब कर दिया आप। लोग आने लगे हैं भैया, आप जल्दी से ना तंदूरी पनीर और तंदूरी आलू भिजवा दीजिए। हाँ जी मैडम, ठीक ठीक, भेजता हूँ। मंगल मंगल मंगल, आप आ गई सौम्या जी, थैंक यू आने के लिए। मंगल, क्या है ये सब, हलवाई खाना बना के रखा है तुमने यहाँ? गॉड, अब क्या होगा? हलवाई खाना नहीं, हमारा खाना बहुत अच्छा बनने वाला है। दम आलू, परवल, पालक पनीर, दाल मखनी, गुड़ की खीर, जलेबियां भी बन रही है। मंगल, आप और आदित्य आपस में बात नहीं करते हैं क्या? मैं समझी नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ सौम्या जी, आप मुझे बताइए ना। आदित्य, क्या है ये सब, अभी के अभी लॉन में आओ प्लीज, अभी के अभी। क्या हुआ सौम्या जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आने दीजिए आदित्य को, पता नहीं कैसे उसने ये सारा तमाशा नहीं देखा अभी तक। सुनिए, स्वागत अच्छे से करिएगा। हाँ मंगल दीदी, पता नहीं कहाँ रह गई है, अंदर देखती हूँ। लक्ष्मी बेटा। हाँ? मेरे लिए एक ग्लास मटके का पानी लेकर आओगे? हाँ हाँ, अभी लेकर आती। मम्मी, लक्ष्मी का हार देखा आपने? सोफा कहाँ है? दीदी ने मना किया था। फिर भी मैंने बोला था कि हम सोफा देंगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन दीदी ने मुझे कसम दी थी कि नहीं खरीदना। कब दी कसम? झूठ मत बोल। अपने आप को बचाने के लिए भी हमेशा की तरह दीदी का नाम लेगी, है ना? ये हार खरीदना था तुझे, इसीलिए सोफा नहीं खरीदा, है ना? नहीं चाची जी, ये मेरा नहीं। सच बता, कब से तू हमारे ही पैसे छुपा छुपा कर रख रही है? अरे ये हार तो लाखों का है, और हमें कहती है दुकान पर ग्राहक पैसे नहीं दे रहे। नहीं चाची जी, आप मेरी बात तो सुनिए, ये मेरा
तेरी बातों के लपेटे में हम बहुत फंस ले। दुकान के पैसे से ऐश कर रही है ना तू? क्या हूँ? देखो देखो ये सब, तुमने मुझसे कुछ और कहा था और यहाँ तो कुछ और ही देसी खाना बन रहा है। यहाँ ये खिलाओगे तुम गेस्ट को? नो। गांव वालों की शादी है क्या? अन ये सब कचरा देखो कितना सब फैला हुआ है। ये छिलके तो अभी हट जाएंगे। भैया हटाओ हटाओ सब हटाओ, अभी साफ हो जाएगा। बोलो आदित्य ये सब क्या हो रहा है? पिज्जा पास्ता लज़ानिया ये सब इटालियन खाना मंगाया था ना हमने? हाँ। यहाँ ये सब आलू गोभी दाल मखनी, व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं समझी नहीं। मंगल तुम कभी कुछ नहीं समझोगी। किसने कहा था तुम्हें अपना दिमाग लगाने के लिए ये सब बनाने के लिए? हाँ आपने। मैंने मैंने कब कहा तुमसे मंगल? What nonsense! हमारे गेस्ट चांदनी चौक के चटोरी गली में खाने वाले लोग नहीं है मंगल। मेरे बॉस आ रहे हैं, मेरे कलीग्स आ रहे हैं। मैंने तुमको लिस्ट दी थी ना, घर में क्या बनेगा क्या ऑर्डर करना है, लिस्ट देखी थी ना तुमने? लिस्ट मंगल अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको लिस्ट के बारे में बोला था और तुमने सर भी हिलाया था। मंगल तुमने लिस्ट देख ली है ना? मैंने सब लिख दिया है और वही खाना रहेगा, फाइनल है। ओके क्या आदित्य जी ने मेरी बनाई लिस्ट नहीं पढ़ी? हाँ बोला था लेकिन वो मेरी लिस्ट। शट अप मंगल, शट अप, हटाओ ये सब, सब हटाओ यहाँ से। 5 मिनट में मुझे ये जगह खाली चाहिए, साफ चाहिए, एक आदमी नहीं चाहिए मुझे यहाँ। मंगल? हाँ जी। जी तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और कलर डिजाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सब आदि जी ने खुद किया है, मुझे तो समझ ही नहीं है इन सब की। मंगल आप बैठिए ना, कुछ मंगवाऊं आपके लिए, शरबत लेंगी? जी नहीं, मैं पहले पूरा घर देख लेती हूँ उसके बाद। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी अम्मा। मंगल आज तुम्हें हो क्या गया है? घर पे 2 लोगों का खाना बनाना हो तो सर के बल चलने लगती हो और आज आज यहाँ ऐसे मजे से टहल रही हो जैसे किसी और के गृह प्रवेश में आई हो। ना तुमने खाने के इंतजाम के बारे में पूछा ना देखा। अम्मा वो आदि जी ने कहा कि जानते हैं कि खाने का प्रबंध अदित ने किया है, लेकिन तुमको भी पूछना चाहिए ना कि खाना कहाँ लगेगा, कैसे गर्म रखना है, ये भी आदित पे छोड़ दिया। हेलो हेलो सुनाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ भाई साहब, मैं पूछ रही थी कि आपके केटरर्स अभी तक आए नहीं है। हाँ बसंत कुंज, आदित्य सक्सेना का घर, 12 बजे खाना आने वाला था, अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया, आप प्लीज चेक कीजिए। क्या भाई साहब वो ऑर्डर परसों का नहीं आज का है? नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, आप प्लीज चेक कीजिए। हाँ आदित्य सक्सेना। मैडम चेक किया मैंने, मेरे सामने लिस्ट रखी है, परसों का ऑर्डर है 26 तारीख का, आदित्य सक्सेना वसंत कुंज 180 प्लेट्स। देखो बाद में आदित्य नाराज होगा इसीलिए अभी से कह रहे हैं। अम्मा मुझे आदि जी ने कहा कि वो सौम्य जी सब देख लेंगे और सौम्य जी ने कहा कि मैं दूसरे काम देखूं, खाने का प्रबंध उनकी जिम्मेदारी। वो बाहर वाली है, वो क्या जिम्मेदारी उठाएगी, ये तुम्हारी होनी चाहिए मंगल, तुम घर की बहू हो। तुम भी गजब हो मंगल, अपना पल्ला पूरी तरह से कैसे चाड़ सकती हो, तुम्हें खुद सौम्या को ये कह देना चाहिए था, वो मेहमान है वो घर के बाहर ही रहे। अब जाओ और जाकर बताओ सौम्या को कि ये जिम्मेदारी तुम देख रही हो वो नहीं।